रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के अंदर 10 किमी तक कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी सेना ने रूसी कस्बे सुदझा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इस कस्बे में रूस के करीब 5,000 लोग रहते हैं। यह वही जगह है जहां से यूरोप को गैस की सप्लाई करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बताया जा रहा है कि रूस के करीब 1000 किमी के इलाके में भीषण लड़ाई चल रही है। रूसी सेना ने अब यूक्रेन की सेना को घेरने के लिए चारों तरफ से घेरेबंदी शुरू कर दी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 80 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। इसमें सुजदा सबसे बड़ा है। रूस और यूक्रेन में भारी तनाव के बीच पीएम मोदी युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं। इसको लेकर के विशेषज्ञों ने अब उनको आगाह किया है। रक्षा मामलों के विचर्चित विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी ने एक ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी को यूक्रेन जाने की बजाय पड़ोस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। पीएम मोदी की कीव यात्रा के लिए इससे ज्यादा खराब टाइम कोई नहीं हो सकता है। रूस की सेना यूक्रेनी सेना के घुसपैठ के बाद भीषण जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अमेरिका की सीज फायर में कोई रुचि नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि वह रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच भारत के शांति लाने के प्रयासों का स्वागत करता है। बांग्लादेश में उलट पलट के बाद पीएम मोदी को भारत के स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड की चुनौतियों पर फोकस करना चाहिए। चलानी ने अपने एक लेख में कहा कि यह स्पष्ट है कि अमेरिका और भारत पिछले साल संयुक्त बयान में प्रण कर रहे थे कि वे दुनिया में सबसे करीबी पार्टनर बनेंगे, लेकिन इसके बाद भी ईरान से लेकर म्यांमार तक वाशिंगटन के हित भारत के मुख्य हितों से मेल नहीं खाते हैं। बांग्लादेश भारत के लिए ताजा खतरे की घंटी है। चलानी ने यह भी कहा कि इस वास्तविकता ने भारत को दुविधा में डाल दिया है। भारत के लिए कोई आसान विकल्प अब नहीं बचा है। हालांकि भारत अमेरिका से मजबूत रिश्ते बनाना जारी रखेगा, लेकिन भारत के पड़ोस में उसके यह कदम बहुत धक्का देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने जहां बांग्लादेश की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है और चेतावनी भी दी है, वहीं भारत के करीबी रणनीतिक दोस्त अमेरिका ने बांग्लादेश में इस सत्ता पलट का स्वागत किया है। साथ ही अमेरिका ने बदलाव को पूरा समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच शांति लाने के प्रयासों का स्वागत करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बात एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा, हम अनेक मुद्दों पर अपने भारतीय साझेदारों के साथ संपर्क में हैं। निश्चित रूप से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान भारत की बातचीत के हम स्वागत करते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में यूक्रेन की सेना रूस के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुसी हुई है और जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि उन्होंने सुजदा कस्बे पर कब्जा कर लिया है और यहीं पर यूक्रेन की सेना ने अपना ऑफिस भी बना लिया है। यूक्रेन की सेना के इस कब्जे को पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस की जमीन पर किसी दूसरे देश की सेना ने कब्जा किया है। इसी वजह से अब रूस की सेना बड़ा पलटवार कर रही है। कई इलाकों को मुक्त कराने का दावा किया गया है, लेकिन इन सब के बीच पुतिन की भारी किरकिरी हो रही है। पुतिन भारत के दोस्त हैं और पीएम मोदी का इस समय वहां जाना विशेषज्ञों को खटक रहा है।